वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। यहाँ पर की जनता अगर बीजेपी को सपोर्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ मोदी को देख के सपोर्ट करेगी। आज लेने के लिए आ रहे हो, देने के लिए कहाँ जाते हो? जब रिया हो जाता तो चुपचाप बैठ जाते हो। मोदी जी की एक कमी है जो कि 2 करोड़ नौकरी की वादा किए थे उन्होंने, 2 करोड़ नौकरी गवर्नमेंट की तरफ से करी की बात किए थे कि गवर्नमेंट नौकरी की बात की, 2 करोड़ गवर्नमेंट नौकरी की बात। वोट लेने के लिए सब आंगने आंगने छुटवाता है, जब नौकरी देने के लिए नहीं है। 5 किलो चावल दिए तो बहुत ही दे दिया, 10 किलो दाना का तरकारी मिला है, तेल मिला है, आलू मिला है, प्याज मिला है, नहीं ना चावल मिला का चावल को फाक करके रहेगा। मर अच्छा अच्छा इंसान का करा है, बाप रे फलाना आदमी हमरा दे रहा है, नहीं दे रहा है, तेरिए आलू का पैसा लेकर के तेरिए खिला रहा है। जो शराब खुलवा देगा उसको हम वोट देंगे। हम इस वक्त बिहार के दरभंगा में हैं। मेरा नाम है अंकित और TV9 की टीम अभी यहाँ पे बात कर रही थी, काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी। भाई साहब बहुत चीज़ों पे बात कर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश कुमार चौधरी। किससे शिकायत है आपकी, असली शिकायत किससे है? मेरी शिकायत गोपाल जी ठाकुर से है, यहाँ के सांसद से, निवर्तमान सांसद। क्या क्या शिकायत है? उनका शिकायत ये है कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत और अभूतपूर्व काम किया है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे क्या काम किया है, जैसे कि देखा जा सकता है जो उन्हीं के कार्यकाल में, ऐसा देखिए बना तो बहुत पहले से सब कुछ है, लेकिन जिस इनके कार्यकाल में जैसे कि बहुत पहले से क्या बना हुआ है, जैसे कि हवाई अड्डा बहुत पहले से जमीन अलॉटेड। कब से बना है? मेरे ख्याल से तो 20-25 साल गोपाल जी के आने से पहले से जमीन अलॉट था, लेकिन 25 साल पहले अलॉट था। जमीन अलॉट तो बहुत पहले से था, लेकिन जब हवाई अड्डा की शुरुआत हुई तो गोपाल जी ठाकुर ने करवाया, ये उनकी अपनी क्रेडिट होती है। और जैसे तारामंडल की बात होती है और IT पार्क की बात होती है, तो दरभंगा क्षेत्रीय की बात हो, अगर दरभंगा शहर की बात होती है तो सही है, गोपाल जी ठाकुर ने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे काम को कर भी रहा है। लेकिन जब बात आती है कि दरभंगा से निकल के ग्रामीण इलाकों में आने की बात होती है, तो हम लोगों के इलाके में सर एक बार हमको याद है कि गोपाल जी ठाकुर एक बार आए थे, हम लोगों के गाँव में गए थे, वोट मांगे थे, और उसके बाद शायद इस बार अभी तक आए नहीं है। किस विधानसभा से हैं आप? हम बहादुरपुर विधानसभा से हैं, हम लोग के गांव में, और हमने आसपास में भी गोपाल जी ठाकुर की या फिर बीजेपी की कहीं भी प्रचार की गाड़ी नहीं देखी है। और कहने का अर्थ ये हो रहा है कि गोपाल जी ठाकुर अभी तक हम लोगों के गांव में वोट मांगने के लिए नहीं आए हुए हैं, नहीं समझे। अगर काम के बस पर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे को देख करके यहाँ पर की जनता अगर बीजेपी को सपोर्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ मोदी को देख के सपोर्ट करेगी, क्योंकि केंद्र में मोदी जरूरी है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं हम। अगर क्षेत्रीय लोकल बात होती है तो क्षेत्रीय लोकलता पर हम लोग गोपाल जी ठाकुर से नाराज हैं, क्योंकि गोपाल जी ठाकुर ने वो काम नहीं करके दिखाया जिससे हम लोगों को आशा था। नाराजगी कहाँ है, क्या काम की उम्मीद थी और क्या नहीं हुआ? पहला नंबर तो उम्मीद था कि जो मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का बात हो, नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट नहीं होती है। आप दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, छोटे छोटे बगल का राज्य है झारखंड, बगल का राज्य है उड़ीसा, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बगल में उतना। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं राजनीतिक विज्ञान से कर रहा हूँ। तो प्लेसमेंट किस चीज़ का नहीं, मतलब किसी चीज़ का नहीं हो रहा है, और क्या क्या पढ़ाई होती है? कुछ IT सेक्टर में पढ़ाई होती है? IT सेक्टर की तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि MBA वगैरह होता है, BCA भी होती है, तो होती है, IT सेक्टर की भी पढ़ाई होती है, लेकिन एक भी प्लेसमेंट, 0 प्लेसमेंट है। मिथिला यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट 0 है, जो कि एक दुखद खबर कहा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो कि बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल और आपको कटिहार, लगभग देखा जाए तो 3-4-5 जिलों के अंदर कवर करती है अपने अंदर के बहुत सारे कॉलेजेस को, और एक देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रभावित जिला है जो उससे मिथिला यूनिवर्सिटी से प्रभावित होती है, जहाँ पर लोग 3-4 जिले, मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिवान से हैं, वैशाली से हैं, वो आते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, लेकिन उनको पढ़ के आके डिग्री लेके और फिर घर बैठने वाली बात होती है, और सबको सरकारी नौकरी की तैयारी, क्योंकि बिहार में एक ही कमी है, वो रोजगार की कमी है, सबको करना है सरकारी नौकरी करना है तो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जॉब, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, प्राइवेट कंपनीज को लाना पड़ेगा। आप ऐसा ये नहीं सोचे कि कुछ IT सेक्टर पढ़ाई या कोई ऐसी पढ़ाई जो यूज में आए प्राइवेट सेक्टर में? पढ़ाई नहीं होती है आज के दौर में, जो रेलेवेंट पढ़ाई है, जिस पढ़ाई की हम लोग कामना करते हैं, जिससे हमको रोजगार की बात हो सकती है, या तो हम लोग IAS बनते हैं, नहीं तो मजदूर बनते हैं, ये दो ही हम लोगों की क्षमता है। मतलब सांसद से जो आपकी पर्सनल शिकायत है वो ये है कि उसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा, ऐसी मांग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की दर्जा मिले बराबर, और कहीं ना कहीं प्लेसमेंट की सुविधा कराई जाए यूनिवर्सिटी की देख रेख में। और कुछ अभी आप बता रहे थे डेवलपमेंट में मोदी की योजनाएं जो हैं उसमें कई जगह कमियां हैं, कुछ बता रहे थे। मोदी जी की एक कमी है जो कि 2 करोड़ नौकरी की वादा किए थे उन्होंने,
दो करोड़ नौकरी गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कहा। गवर्नमेंट नौकरी का वादा किए थे आप सुने थे? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब की बात हुई थी कि नौकरी की बात किए थे कि गवर्नमेंट नौकरी की बात किए? दो करोड़ गवर्नमेंट नौकरी की बात, क्योंकि हम लोग आशा करते हैं गवर्नमेंट जॉब से, पहली बात। आशा की बात नहीं है, इस बात को करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 15 लाख का जो बात आता है तो 15 लाख सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा ऐसा, या 2 करोड़ सरकारी नौकरी दूंगा ऐसा है, क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए, हम प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा वो किए हैं जो सरकार का पक्ष है, मेरा इसमें कोई बात नहीं है। मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, क्योंकि ये वीडियो और लोग भी देखेंगे, इसमें जो बात आप बोलेंगे वो आगे तक चलेगी। सरकारी 2 करोड़ नौकरी या नौकरी? सरकारी 2 करोड़ नौकरी की आशा करते हैं हम सर। आशा आप करते हैं ना, और सरकारी नहीं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? मोदी की सरकार है, वो मैनिपुलेशन जानती हैं, वो मैनिपुलेशन करते हैं, और अपनी बातों को साबित करने के लिए उनके पास कई ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साबित करने की बात क्या है, जैसे आपने कहीं वीडियो देखा होगा, कहीं से सुना होगा नरेंद्र मोदी का भाषण, उसमें आपने ये सुना कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे या नौकरी देंगे? अगर नौकरी देंगे, बात रोजगार की होती है, ठीक है, आप रोजगार की बात, आप रोजगार की बात होती है तो ठीक है। अगर रोजगार की बात हो, आप उत्तर प्रदेश वाले को दे दो, बंगाल वाले को दे दो, आप राजस्थान वाले को दे दो, बिहारी तो आपका कोई कुछ है नहीं, क्योंकि 40 MP में से 39 MP आप यहाँ जीत के जाते हैं, और मोदी जी कुछ खास नहीं करते हैं बिहार के लिए। बिहार की शिकायत ये भी है कि बिहार के लिए कम करते हैं, दूसरे स्टेट के लिए ज़्यादा करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि अपने किसी स्टेट के लिए ज़्यादा करते हैं। आज आप एक बात देखिए, गुजरात की अपेक्षा बिहार की क्या हालत है, बिहार को किस पायदान पर उन्होंने पहुंचाया है। अगर उनकी आज 350+ सीट के साथ वो अगर बहुमत की सरकार, एनडीए गवर्नमेंट की बहुमत की सरकार बनती है, जिसमें से 39 सीट हमारे बिहार ने दिया है, और उस 39 सीट के हिसाब से आप देखिए, आप ही इस बात की तुलना करिए कि मोदी गवर्नमेंट ने कितना बिहार के साथ किया है। रही बात सरकार बदल जाना, तो ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम आज वोट करेंगे मोदी को, हम आज वोट करेंगे जदयू को, और कल के डेट में वही पलटी मार के दूसरा सरकार बना लेगी, गलगेट में वो सरकार बना लेगी। तो जनता तो मजबूर है, आज हम लोकतंत्र में हैं, हमें यह क्षमता है कि हम सरकार चुने, लेकिन उस सरकार को भी अपने मन से बदल लिया जाता है। आप यहाँ बोलिए, यहाँ था ये, यहाँ बोलिए, यहाँ यहाँ हमको दो, था हमको दो, क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि बता रही है ना आप, तो इसमें बताइए तब ना सुनेंगे। जैसे गरीब का अमीर का बच्चा हो, उसी का बच्चा होगा। आज रोड पर गिरा हुआ रहेगा तो का कहेगा, तारी सा रुपी करके गिरेगा तो का कहेगा, हाय हाय बच्चा तो गिर गया, ये अमीर का बच्चा था तो इसे गैस से गिर गया। अगर गरीब का बच्चा गिर गया भूख से तो का बोलेगा, इस साला तो गिरा हुआ है काहे के लिए, भूख से नहीं दारू पी करके गिरा हुआ है। आता है सब आकर के आज वोट लेने के लिए, सब अंगने अंगने छुटवाता है, जब नौकरी देने के लिए नहीं है, सब बच्चा सब पढ़ पढ़ कर भटक रहा है, क्या करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्या करेगा, जब नौकरी नहीं है तो बच्चा सब करेगा का, पढ़ लिख करके यही काम करेगा ना। 30 दिन में कहाँ था, आज वोट लेने का है, 5 साल के बाद दौड़ा आता है, क्या बिशनपुर देखा रहता है, दरभंगा देखा रहता है, लहरियासराय देखा रहता है, मुजफ्फरपुर देखा रहता है, आज देने के लिए कहाँ है, आज लेने के लिए आ रहे हो, देने के लिए कहाँ जाते हो, जब रिया हो जाता तो चुपचाप बैठ जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को एक नज़र से देखना चाहिए, 1 रुपया पर देखना चाहिए। आज है तो बाबू हम देखेंगे, 5 किलो चावल दिए तो बहुत ही दे दिया, वो जो तो कोई दिमाग नहीं होगा वही कहेगा कि हमको 5 किलो दाना मिल रहा है और 10 किलो दाना मिला है। अरे घर दम रहने, अगर 10 किलो दाना दिया है ठीक है, तेरे 10 किलो दाना मिल रहा है, 10 किलो दाना का तरकारी मिल रहा है, तेल मिल रहा है, आलू मिल रहा है, प्याज मिल रहा है, नहीं ना चावल मिला का, चावल को फाक करके रहेगा, आटे को गेहूं को फाक करके रहेगा। आदमी सब की जो कह रहा है कि हम फलाना आदमी हमको फलाना चीज दे रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत है, तो है या कि नहीं, आलू का देख रहे हैं, हमरिये लेकर के हमरिये दे रहा है, मर अच्छा अच्छा इंसान का कर रहा है, बाप रे फलाना आदमी हमरा दे रहा है, नहीं दे रहा है, तेरिए आलू का पैसा लेकर के तेरिए खिला रहा है, का अभी कभी लालू के राज में था इतना महंगा आलू, नहीं था लालू के राज में सस्ता था, लालू नहीं दिया तो लेबो नहीं किया, आज सारी दुनिया बिलट रहा है, आज पढ़ने के लिए लिखने के लिए दुनिया के लिए जान, जो बच्चा पढ़ने वाला रहता है पास कर जाता वो बच्चा को जाहिल बना करके बैठा देता, कहा तो ये फेल कर गया, काहे कि पैसा देना पड़ेगा। स्टूडेंट की जो होता है वो नौकरी है, रोजगार है, रोजगार कोई भी तरह का हो, चाहे वो सरकारी चाहे
चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए कि बिहार एक प्रवासी मजदूर के नाम से जाना जाता है, एक मजदूरी स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं इस बात से दुख आपको भी होगा, है ना। हम एक ही चीज़ कहेंगे सरकार के साथ, मेरा एक ही अपील है कि चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। बिहार के लड़कों के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। आज आप सुनते हैं ना कि बेगूसराय ऋतुराज गूगल को हैक कर लिया था, वो कहीं एम्स्टर्डम से नहीं आया था ना, वो कैलिफोर्निया का रहने वाला नहीं था, वो बिहार का रहने वाला था। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से जानकारी और संसाधन की कमी है हम लोगों के पास में, जिसकी उपलब्धता करवाई जाए, ये बहुत। और लोगों से बात कर लेते हैं अभी। हाँ बताइए दादी, क्या कह रही थी अभी आप? चुनाव वोटिंग पड़ने वाला है, कुछ क्या गुस्सा है कि सरकार से खुश हैं आप, क्या हैं? सरकार से गुस्सा है ऐसे पब्लिक के एक बिता जमीन नहीं है, महादलित के एक बिता जमीन नहीं है, घर नहीं है। 25,000 वाला घर दिलक, 20,000 वाला दिलक, केकरो घर नहीं बनल, सबके झोपड़ी बनल है। तो यही कहे के है से मोदी सरकार के सबके घर दिल, घर नहीं मिल रहा है। हाँ घर मिल रहा है, दे 25 वाला 20 वाला घर केकरो नहीं होल, अब वो में रोड बना दिलक। तो 25 वाला 20 वाला क्या बता रही थी आप? ये पैसा ले लेते हैं क्या प्रधान? काम दिया ना तो उसमें नहीं घर हुआ, 20 किसको 20 दिया, केकरो 25 दिया, उसमें घर नहीं हुआ। सब गरीब आदमी के खोपड़ी है, झोपड़ी है। सरकार को इतना देना है? हाँ तो मोदी सरकार के तो वोट देवे कर, आप वोट दीजिएगा ना। हाँ 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 आप मत कहो आइए ये खुद से कहेंगी, वो अपने कह रहा है। आपको हम लोग कौन सही लग रहा है, उम्मीदें हैं कि नाराजगी है, क्या है? आप बदलना चाहती हैं कि सरकार ठीक है? ठीक है क्यों? ठीक है, ठीक है। सबके इतने दिन चलल कह रहा, सबके बढ़िया से चलल कह दिल कह। ये जो शराबबंदी नीतीश कुमार की चल रही है, ये कुछ सही लग रहा है आपको? ठीक है, शराब कैला खोगते फरवा पिए हो, अभी जब मुँह फुरबा पे हो मौसम दे हो महाजी मुँह फुरबा के सरकार वोकरा मौसमात नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं शराब जो खोल देगा उसको हम वोट देंगे। आ रहा है आप बताइए। वही कोई चीज, सबके जमीन नहीं है, किसी को घर नहीं है, रोड पर इतना इतना पानी लागल है, सुन ली? अच्छा आप क्या कह रहे हैं? हम लोग का कलाम हुआ जो शराब खुलवा देगा उसको हम वोट देंगे। क्या 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 फायदा? सेवा करेंगे, जो शराब खुलवा देगा सेवा करेंगे उसका? जी क्यों? क्यों इस चलते जो मुफरवा जो बेच रहा है, अभी का समय मुफरवा बेच रहा है आदमी लोग, जवानी में मौसमात हो जाता है, 6 महीना 2 महीना 4 महीना ब्याह होता है, उसके बाद पति मर जाता है, उसके चलते हम कहते हैं शराब खुरबाल देने के लिए सरकार का मोहर मारा रहेगा, दारू पीता है आदमी रहता है, पहले जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो शराब तो सब पी ही रहे हैं लेकिन नकली शराब मिल रही है? अभी नकली मिल रहा है, अभी भाकर गोली वाला मिल रहा है, अभी घरे घरे मिल रहा है, तो उसको कौन बंद करवा रहा है? कोई करवा रहा है? कोई नहीं करवा रहा है। हमारा कलाम हुआ शराब जो खुलेगा उसको वोट देंगे। कैसी शराब मिलती है जी? कैसी शराब मिलती है? ये बनौआ वाला मिलता है, महुआ वाला जी। तो कहाँ से व्यवस्था होती है? यूरिया वाला मिलता है, सब तो पीवे करता है, बोलता है सारी नहीं पियेंगे, शराब पीते हैं। तो न पिए, नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? गरीब आदमी भर दिन खड़ता है, पिएगा कैसे? गरीब आदमी को जीने के लिए शराब जरूरी है? जरूरी है, इस चलते नींद आता है, पी खा के जाएगा आराम से सोएगा घर में, आराम से ऊपर हो जाता है। एक गिलास पीता है ना, एक महीना का जिंदगी उसका कम हो रहा है, एक महीना का जिंदगी कम हो रहा है, चलते बोल रहे हैं शराब खुलवाना चाहिए उसको वोट होगा। मतलब शराब खुल जाएगा तो गरीबों को आराम मिल जाएगा जी, दिल का आराम होगा, उसके बाद पी कर आराम से सो जाएगा। हम लोग का कलाम हुआ, अभी जो किडनी खराब हो रहा है, मर रहा है आदमी, 6 महीना ब्याह हुआ था, उसके बाद बीवी उसका मौसमात हो जाता है। लेकिन यार ये तो कह रहे हैं ना कि शराब मत पियो, वो कह रहे हैं न पिए, शराब से नुकसान है लोगों को, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? नीतीश कुमार तो यही कह रहे हैं। नीतीश कुमार सही है? नहीं सही, नहीं सही बात बोल रहे हैं हम लोग, कैमरा भी चालू है ना, सही बात कर रहे हैं, उसको खोलवाना चाहिए, बंद करना चाहिए ना। हाँ बताइए। हम कह रहे हैं, सुनिए बउआ,
हम कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं कि जो दारू नहीं पीना चाहिए, जहां से सप्लायर है मेन उसको वहां से बंद करना चाहिए, ये नहीं कि गरीब आदमी को नुकसान। अब सवा बंद हो जाएगा तो ये भी खुद बंद कर देगा। अभी भी मिल रहा है, घर पर पहुंच रहा है। नीतीश कुमार जो शराब बंद किए हैं, शराब तो उससे ज्यादा ही मिल रहा है अभी बंद करने से ज्यादा। घर पर डुप्लीकेट पहुंच रहा है, इसका कौन जवाब दे है? अमीर पिए खम्मा हजार वाला, गरीब पिए 50 वाला शराब दो नंबर। शराब बंदी जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। बोलना चाहते सर कि शराब बंद होने से उससे ज्यादा ही शराब बिक रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अमीर आदमी है वो कहीं से अंग्रेजी शराब का जुगाड़ कर लेता है और उसके पास पैसे हैं तो वो पी रहा है, गरीब भी पी रहा है बिहार का, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो कहीं लोकल में बना हुआ शराब पी रहा है, जहरीली शराब पी रहा है। तो मजदूर जो अगर 500 रुपये कमा के आएगा तो 600 का खम्मा कहाँ से पिएगा? वो तो पिएगा 50 रुपये का, 30 रुपये का तारी पिएगा। आपका तंत्र ऐसा है, आपका तंत्र ऐसा है कि जहाँ आप पकड़ रहे हैं तो ये गरीब आदमी है पी रहा है, इसको आप पकड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ से सप्लाई हो रहा है उसका तो कोई नहीं है कागजी पर बिहार में शराब बंदी, लेकिन धरातल पर आइए तो कहीं बंदी नहीं है। पुलिस वाला आपको लेके पहुँच जाएगा, पुलिस वाला लेके पहुँचता है घर पर। पुलिस वाला बेचवा रहा है, बेचवा रहा है, पुलिस वाला यहाँ बेचवा रहा है, पकड़ाता है दारू, बोलता है 50 कार्टून और वहाँ पर शो करता है 30 कार्टून। कहाँ मिलती है शराब? कहाँ नहीं मिलता, हर गली में मिल रहा है। यहाँ पर मिलेगा, ऑनलाइन सिस्टम है, अभी ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम फोन करके मंगा लेते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है। फिर पलका ही है, घर पर पहुँच जाएगा आपका, ऐसा सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना। किस तरीके की शराब, ये बनी हुई कि अंग्रेजी शराब भी? बनी हुई अंग्रेजी भी मिल रहा है, रॉयल स्टाग आप जानते हैं वो भी मौजूद है। अब कहीं बंद हुआ है वो शराब आज भी मिल रहा है, वो शराब कहाँ से आता है? हम जब नीतीश कुमार ने शराब बंद किया तो वो शराब कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आता है? बॉर्डर से सील कराना चाहिए ना, वहाँ ट्रक में राइस जो आता है, गेहूँ का जो पंजाब से आता है, उसके अंदर से रखा हुआ माल गांव में, अदर स्टेट से आ रहा है। जी हाँ, और यहाँ भी जो बन रहा है वो तो गरीब के लिए ये है, आप वहाँ कर रहे हो तो क्या ये सिस्टम है आपका? बना के उसके बाद रंग मिला के उसके बाद बेच रहा है, ठोकुआ माल देता है, एसिड मार के, ये तो गरीब का नुकसान ही कर रहा है। सीटें समझिए उसको, वो पीने से जहरीला चीज है, ये तो गरीब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कहे तो जवानी में मौसमात हो जाता है, बीवी बाल बच्चा, ये सब बंद होना चाहिए, आना तो ठेका खुलवा दीजिए, ये सब बंद हो जाएगा। तो ये कभी सरकार जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार है और बाकी कोई नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी सरकार, कैमरे पे आ रहे हैं आप, अब मान लीजिए सरकार बदल जाए, कभी तेजस्वी यादव या जो आरजेडी के लोग हैं उनको अपने मैनिफेस्टो में डाल देना चाहिए कि हम आए तो फर्स्ट नंबर उनको यही रखना चाहिए, शराब खोल दे हैं, कि शराब या तो समूचा बंद कर दे और नहीं तो खोले तो खोल दे, क्या है कि यहाँ 27% जो आपका आमदनी आता था वो आमदनी आप किस चीज़ में मैनेज कर रहे हैं, वो चीज़ बताइएगा ना। 27% बिहार सरकार का आमदनी था ना दारू से, आप ऐसा कहाँ से बुला रहे हैं, ये कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, वो चीज़ बताइएगा ना। आ रहे हैं अलबला अबला के कुछ बोल रहे हैं, चले जा रहे हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है, बिहार का विकास कैसे होगा वो चीज़ सोचिएगा ना आप। तो ये कुमला के यहाँ के लोग अलग अलग जगहों से नई नई बातें आती हैं, अभी कुछ देर पहले तमाम अलग विषयों पर बात हो रही थी, लेकिन अभी जो बात हुई हाल फिलहाल में रोजगार और सबसे खतरनाक इशू शराब पे आ गई, शराब पे क्या राय है, सरकार की क्या राय है, वो चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन इन लोगों की जो शिकायतें हैं वो आपने सुना। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूं अंकित, TV9 बिहार झारखंड, नमस्कार।